प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन पर कांग्रेस जनों ने जताया हर्ष, चांगेट आतिशबाजी करते हुए मनाया जश्न। शहर में तेजी से गति पकड़ रहा है डीएफसी निर्माण कार्य, स्टेशन परिसर में पुल का निर्माण कार्य हुआ पूर्ण। आम रास्ते को दुरुस्त करने की मांग को लेकर गहलोत कॉलोनी के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, रास्ता ठीक नहीं होने तक निर्माण कार्य को बंद रखने की रखी मांग। और एटीएस तथा जवाहर थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, दो लोगों से जब्त किए 50 लाख रुपए। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले बहुमत के बाद सोमवार को जयपुर में कांग्रेस सरकार गठित हुई। सोमवार को आलाकमान के निर्देश पर नवगठित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सरदारपुरा जोधपुर विधायक अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री तथा टोंक से विजय हुए सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। जयपुर में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार गठित होने तथा सीएम व डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर शहर के कांग्रेसजनों ने खुशी जताई। खुशी के इस मौके पर कांग्रेसजनों ने चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर एकत्रित होकर आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया तथा सीएम अशोक गहलोत तथा डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बधाइयां प्रेषित की। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए तथा एक दूसरे को बधाइयां दी। इस दौरान उपस्थित संगठन के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में अशोक तथा सचिन पायलट के नेतृत्व में गठित सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी, साथ ही प्रदेश का विकास तेजी से होगा। गरीब, जरूरतमंद तथा बेरोजगारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा मिलेगा। चांगेट पर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार करने वालों में बाबूलाल जावा, राजेंद्र तुनगरिया, चेतन चौहान, मनोज खूबचंदानी, नरेंद्र परिहार, दुल्हाराम, ओम प्रकाश, रामलाल खोरवाल, सुरेश राज पंडित, शेखर शर्मा तथा भगवान दास टाक सहित अन्य कांग्रेस जन शामिल थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक जी गहलोत को चुना और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है और आम जन का और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ब्यावर के अंदर भी आने वाले समय के अंदर कांग्रेस मजबूत हो और 2022 के जब चुनाव लड़े तब यहाँ पे कांग्रेस का विधायक चुन के आए, ये हम लोगों की मंशा है और ये आशाएं हैं। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने इसलिए सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, सब लोगों को धन्यवाद। राष्ट्रीय शोषित परिषद ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर एससी एसटी अत्याचार अधिनियम में दर्ज मुकदमे में 150 दिन बाद भी उचित कार्यवाही नहीं होने की शिकायत की है। एसडीएम सुरेश चौधरी के दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि निकटवर्ती बलाड ग्राम बीज गोदाम लोधोका बाड़िया निवासी सोनू पुत्र रतनलाल मेघवाल ने 14 जुलाई को थाने में एक शिकायत देकर गाँव के ही कालू सिंह, कैलाश सिंह, बलवीर सिंह, अनिता गंगाबाई आदि के घर पर घुसकर धक्का मुक्की करने तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी देने की शिकायत की थी। ज्ञापन में बताया गया कि इस दौरान हमलावरों ने पीड़ित को घर में बंद करके लाठी तथा सरियों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि घटना को करीब 6 माह बीत चुके हैं लेकिन पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण पीड़ित परिवार के सदस्य डर के साए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस दौरान आरोपी पीड़ित परिवार पर राजीनामे के लिए भी दबाव बना रहे हैं। राष्ट्रीय शोषित परिषद तथा अम्बेडकर सेना के सदस्य ने उपखंड अधिकारी से उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय शोषित परिषद के जिला अध्यक्ष सूरज मेघवंशी, जिला महामंत्री श्रवण कुमावत, तिलोप तालेपा, भवनलाल मंडेला, मनोज कुमार तथा राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के कपिल बोयस सहित अन्य सदस्य तथा कार्यकर्ता शामिल थे। जिस प्रकार दलित हत्याकांड वो दंगावास वाला हुआ था जमीन को लेकर, ये हत्याकांड भी इसी कड़ी से जुड़ रहा नजर आ रहा है।
प्रशासन को शिकायत दर्ज करा दी गई थी, 150 दिन हो गए एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी, लेकिन आज तक प्रशासन ने अपनी आंखें नहीं खोली। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि कहीं ब्यावर के आसपास के क्षेत्र के अंदर पुनः डांगावाद हत्याकांड नजर ना आ जाए, तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर प्रशासन समय रहते हुए ये कदम नहीं उठाता है तो राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना हुए, शोषित परिषद संगठन, संपूर्ण अनुसूचित जाति जनजाति समाज का सहयोग लेकर ब्यावर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। आतंकवाद निरोधक दस्ते की एक टीम ने जवाजा थाना पुलिस के सहयोग से सोमवार को दोपहर जवाजा थाना क्षेत्र के बागलिया टोलना के पन्नाकेबंदी कर एक डस्टर कार से 50 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। इस मामले में टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अब उन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश करेगी। इस कार्रवाई को लेकर जवाजा सहित ब्यावर में काफी हड़कंप देखा गया है। एटीएस के इंस्पेक्टर पुखराज सारण के अनुसार उन्हें जरिए मुखबिर के सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक कार में लाखों रुपए लेकर भीम से ब्यावर की ओर आ रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम तत्काल जयपुर से जवाजा पहुंची और जवाजा पुलिस को साथ लेकर टोल नाके पर नाकेबंदी करवाई। बताया गया कि भीम की ओर से आ रही डस्टर कार नंबर RJ36CA3387 को रुकवा कर उसकी तलाशी ली, जिसमें करीब 50 लाख रुपए पड़े मिले। कार में सवार तेलियान चौपट ब्यावर निवासी सिद्धार्थ जैन पुत्र दिलीप जैन एवं कार चालक चौहान कॉलोनी निवासी रामचंद्र पुत्र जगदीश साहू को गिरफ्तार किया। एटीएस की टीम ने इसके बाद दोनों को जवाजा पुलिस के सुपुर्द किया तथा ब्यावर आकर सिद्धार्थ जैन के निवास एवं कार्यालय पर भी दबिश देकर छानबीन की। फिलहाल एटीएस की टीम अपनी कार्यवाही कर जयपुर के लिए रवाना हो गई है। चर्चा है कि पकड़ी गई राशि संभवतया हवाला कारोबार से जुड़ी है, लेकिन पुलिस ने इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। एटीएस की टीम की कार्रवाई को देख ब्यावर में काफी हड़कंप मच गया। दोनों आरोपियों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर सिटी थाना अधिकारी रविंद्र प्रताप दारा के संयुक्त नेतृत्व में तेलियान चौपर श्री टावर स्थित दिलीप श्रीश्रीमाल की दुकान पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि दिलीप श्रीश्रीमाल पुराना हवाला कारोबारी है तथा पूर्व में हवाला कारोबार में लिप्त रहा है। इसी प्रकार पुलिस ने भेरूजी का खेजड़ा स्थित एक अन्य दुकान पर भी दबिश दी, लेकिन वहां से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। जब्त की गई रकम में 2000 तथा 500 रुपए के नोट शामिल है। शहर में गहलोत कॉलोनी में रेलवे पुलिया निर्माण के दौरान लोगों के आवागमन के रास्ते को बंद कर दिए जाने के बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में DFC निर्माण कार्य पर एकत्रित हुए गहलोत कॉलोनी के निवासियों ने पुलिया निर्माण कार्य का विरोध करते हुए रेलवे के खिलाफ आक्रोश जताया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रवासी पहले कॉलोनी के लोगों के लिए बनाए गए रास्ते को दुरुस्त करवाने की मांग कर रहे थे। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि DFC कार्य के दौरान दीवारें बन जाने के बाद आम रास्ते की सुध नहीं ली जाएगी, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। निर्माण कार्य रुकवाने की सूचना के बाद DFC के इंजीनियर तथा अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा क्षेत्रवासियों की समझाइश की। इस दौरान आगामी 2 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रखने की बात पर आम सहमति बनी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस बाबत जिला कलेक्टर तथा रेलवे के DRM से मुलाकात कर परेशानियों से अवगत कराया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में बद्री सामरिया, वेदराज भाटी, प्रदीप गहलोत, JP चौहान, रघुनंदन शर्मा, चंदन रावत, पासमल भाटी, दीपक गहलोत तथा ललित सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। रेलवे की ओर से मालगाड़ियों के लिए चल रही महत्वाकांक्षी योजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण कार्य फिर से गति पकड़ने लगा है। ब्यावर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर से कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद आगामी चरण शुरू किया जा सके। जानकारी के अनुसार DFCC के तहत मदार से हरिपुर के बीच कार्य प्रगति पर है। अब तक कार्य गति धीमी होने से निर्माण समय पर नहीं हो पा रहे थे। ब्यावर रेलवे स्टेशन परिसर में निर्मित हुए पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 15 पैर पिल्लरों पर बने फ्लाईओवर के ऊपर कंक्रीट मसाला डालकर समतलीकरण किया गया है। वहीं दूसरे से जुड़ते दोनों ओर मिट्टी डालकर एवं कंक्रीट दीवार का निर्माण कर लाइन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। LC 26 से रेलवे स्टेशन के बीच भी मिट्टी डाली जा रही है। वहीं LC 26 के समीप DFC लाइन के लिए ब्लॉक लगाकर संपार बनाई गई है। ज्ञात रहे कि गत माह हुए निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मदार से हरिपुर के बीच
बीच कार्य को 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कार्य निरंतर गति पकड़ रहा है। डीएफसीसी का कार्य कर रही एलएनटी कंपनी के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में हरिपुर से मदार तक का हिस्सा शेष रहा है। हरिपुर से ब्यावर की ओर से आने वाले मार्ग में अधिकांश जगह मिट्टी डालकर प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। वहीं आधुनिक मशीनों के जरिए हरिपुर से गुड़िया के बीच रेलवे ट्रैक डालने का कार्य भी शुरू किया गया है। बताया गया है कि इसके लिए वित्तीय सहायता जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका की ओर से दी जा रही है। कंपनी के करार मुताबिक ट्रैक बिछाने के लिए पटरिया सहित अन्य सामग्रियां भी जापान से आएगी। इसके तहत मारवाड़ जंक्शन के समीप टुकड़ों में रेलवे लाइन पहुँचना भी प्रारंभ हो गई है। इस लाइन को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। मदार से पालनपुर के बीच लगने वाली करीब 13 लाख स्लीपर मारवाड़ में तैयार किए जा रहे हैं। श्री अरोड़ा खत्री पंचायत एजा चौक की ओर से रविवार को दरियावजी मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला मंडल के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 56 भोग की झांकी सजाई गई। 56 भोग की झांकी के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान दरियावजी की महाराज की आरती उतारी। दौरान उपस्थित लोगों ने मंदिर में आकर्षक भजन प्रस्तुत किए, जिस पर उपस्थित श्रद्धालु झूम उठे। 56 भोग झांकी तथा महाआरती के दौरान गोपाल वर्मा, श्रीमती चंचल सोनी, शालिनी शर्मा, कन्हैयालाल तोसावड़ा सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। क्रिएटिव एकेडमी स्कूल की ओर से सोमवार को सांस्कृतिक सप्ताह अनुकृति का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित रांका जी की बगीची में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ संपन्न परिवार के आचार्य जेपी शर्मा, क्रिएटिव शिक्षण समिति के अध्यक्ष एसएन साखला, श्रीमती मंजू साखला तथा मनीष साखला ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान पेंसिल रेस, बैकपैक रेस, लेग रेस, थ्री लेग रेस, सुई धागा रेस, सेक रेस, स्लो साइकिल रेस का आयोजन किया गया। इसी प्रकार अभिभावकों के लिए भी सुई धागा रेस तथा म्यूजिकल चेयर रेस का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती विजय लक्ष्मी वर्मा तथा श्रीमती ज्योति बाकलीवाल ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में शिक्षकों ने रुचि नहीं दिखाई। शिक्षकों के नहीं पहुंचने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर प्रतियोगिता को ब्यावर में स्थगित कर दिया गया। जो शिक्षक आने उन्हें भी उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा प्रतियोगिता में लगे शिक्षकों को भी रिलीव कर दिया गया। जानकारी के अनुसार चुनावी रण खत्म होने के साथ ही स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आगाज हो गया। इसी बीच निदेशालय ने तुगल की फरमान जारी करते हुए 16 व 17 दिसंबर को परीक्षाओं के बीच 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के आदेश जारी कर दिए। ब्यावर पटेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की मेजबानी में आयोजित होने वाले प्रतियोगिता के लिए रविवार को सुबह 10 से 12 बजे तक शिक्षकों को पंजीयन करवाना था, लेकिन उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शिक्षकों ने रुचि नहीं दिखाई। जहाँ प्राथमिक विभाग ने 9 शिक्षक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए, वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय से यह संख्या नगण्य रही। ऐसे में मामले से संस्था प्रधान राजेश जिंदल ने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने प्रतियोगिता को स्थगित करने के आदेश दे दिए। ऐसे में पूर्व में औपचारिकता बनी प्रतियोगिता पूर्णतः स्थगित ही कर दी गई। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के गुरुचरण गोयल तथा राजेंद्र प्रजापति आदि ने औपचारिकता के बाद स्थगित हुई शिक्षकों की खेलकूद प्रतियोगिता पर रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने परीक्षा समय में प्रतियोगिता आयोजन का निर्णय लेकर इसे मात्र औपचारिकता बना दिया, जिससे शिक्षकों के अधिकारों का हनन हुआ है। प्रतियोगिता के भाग लेने के लिए रविवार को विभिन्न विद्यालयों से मात्र 9 शिक्षक ही पहुंचे, जिनमें से 1 शिक्षक ने एथलेटिक्स, 6 ने वॉलीबॉल तथा 2 शिक्षकों ने फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए पंजीयन करवाया, जबकि कबड्डी, बैडमिंटन, शतरंज, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस आदि प्रतियोगिताओं के लिए कोई भी शिक्षक नहीं पहुँचा। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अजमेर रोड स्थित दादी धाम में रविवार को राजेंद्र सुनता मंगल परिवार की ओर से दादी के संगीतमय मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक सतीश सिकरवार एवं गोपाला ग्रुप के गायक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इस दौरान दादी दरबार का फूलों के हार, जरी गोटे आदि से नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। गायक सतीश सिकरवार ने गणेश वंदना तेरी जय हो गणेश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद अनोखी थारी झांकी महाराज साला सर हनुमान भजन की प्रस्तुति दी। नारायण जन्मोत्सव के अवसर पर प्रसंग पर नारायणी के बाल स्वरूप को दर्शाया गया। बधाई के रूप में मुद्रा, खिलौने, टॉफियां आयोजक परिवार द्वारा बांटी गई। नारायणी के विद्या आरंभ के प्रसंग पर बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। विवाह प्रसंग के तहत मेहंदी रचाई गई, दादी को हल्दी चंदन का लेप किया गया तथा सोलह श्रृंगार किया गया। गायक सिकरवार ने प्रसंगवार सज धज कर बैठा दादी जी आज झूले मैया रानी सती, तेरा किसने किया श्रृंगार, बड़ी प्यारी लागे, महारा लाडला सगाजी आदि भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणक डानी, महामंत्री अजय मोदी, स्नेहलता मंगल, बद्री प्रसाद गर्ग, केदार गर्ग, रमेश सिंघल, रजनी सिंघल, धरणीधर गर्ग, गणेश प्रसाद बुधिया, सुशील सिंघल तथा सुशील गर्ग सहित अनेक भक्तजन मौजूद थे। शहर के अजमेर रोड स्थित सातपुलिया विस्तारीकरण के मामले में लाख प्रयासों के बाद भी विद्युत विभाग की ओर से अब तक बीच राह में रोड़ा बने विद्युत पोल को नहीं हटाया गया है, जिसके कारण अब यह पोल मुख्य मार्ग पर हादसों का कारण बन गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी निर्माण कार्य में हो रहे अनावश्यक विलम्ब को देखते हुए अपने ऊपर आने वाली बला को टालने के लिए बीच राह खड़े विद्युत पोल के चारों ओर डामरीकरण करवा दिया है। अजमेर रोड पर कई जगह ऐसे नजारे देखने को मिल जाएंगे जो अब राहगीरों की जान पर बन सकते हैं। ज्ञात रहे कि सातपुलिया विस्तारीकरण तथा सातपुलिया से लेकर अजमेर रोड पावर हाउस तक बनने वाले रोड के बीच अनेक विद्युत पोल बाधा बने हुए हैं। विद्युत विभाग की ओर से काफी पोल हटाए गए हैं, मगर अब भी कुछ ऐसे पोल हैं जो नहीं हट पाए हैं। पीडब्ल्यूडी एवं आरएसईबी के बीच चले काफी नाटकीय घटनाक्रम के बाद भी खड़े विद्युत पोल नहीं हटने से सड़क निर्माण में काफी परेशानी आ रही है, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी ने भी अब रास्ते से पोल को हटवाने के बजाय उनके चारों ओर डामरीकरण करवाकर सड़क के निर्माण को पूरा करने की औपचारिकता की जा रही है, जो कभी भी हादसों का कारण बन सकती है। बीच राह में खड़े विद्युत पोल से कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। शहर के लोगों का कहना है कि यदि कोई हादसा हो गया तो इसका जवाबदार कौन होगा। बहरहाल इस मामले में अब दोनों विभागों के कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चुनावी माहौल पूरी तरह खत्म हो गया। शहर की ऐतिहासिक धरोहर, मुख्य दरवाजों पर किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर आदि लगाना प्रतिबंधित है, जो शहर की सुंदरता को दागदार करते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान आयोजित स्वीप के एक कार्य के लिए प्रशासन ने शहर के चांगेट पर पोस्टर लगाकर अपने कार्यक्रम का प्रचार किया। मतदान समाप्त हुए 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन आज तक पोस्टर को हटाने को लेकर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अन्य लोगों को भी यह पोस्टर आदि लगाने की सह मिलेगी, जो शहर की सुंदरता बदरंग करेंगे। काश्तकारों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से शहर के कृषि उपज मंडी में चल रहे खरीद केंद्र पर अब तक 700 से अधिक काश्तकार मूंग व उड़द की तुलवाई करवा चुके हैं, जिनमें से 200 से अधिक काश्तकारों को उनकी उपज का दाम प्राप्त हो चुका है। केंद्र प्रभारी हेमराज बलाई ने बताया कि खरीद केंद्र पर मूंग व उड़द के बेचान के लिए 1381 काश्तकारों ने पंजीयन करवाया था, जिसमें 493 मूंग व 888 उड़द के काश्तकार है, जहाँ अब तक मूंग के 245, उड़द के 463 काश्तकारों ने तुलाई करवाई है, जिनसे 4585 क्विंटल मूंग व 9482 क्विंटल उड़द की खरीद की है। इनमें से 5 दिसंबर तक तुलाई करवाने वाले 226 काश्तकारों को उनकी उपज का 2,76,63,852 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इनमें मूंग के 126 किसानों को 1,66,63,000 व 100 उड़द के काश्तकारों को 1,10,08
852 रुपए का किया गया है, जिनमें से अब 472 काश्तकारों को उनकी उपज का दाम मिलना शेष है। अब तक खरीद केंद्र पर पहुंचे काश्तकार सबसे अधिक उड़द की उपज लेकर पहुंचे। अब तक खरीद केंद्र पर 9482 क्विंटल उड़द व 4585 क्विंटल मूंग की आवक हुई है। खरीद केंद्र पर पहुँचने वाले काश्तकारों से क्रय विक्रय सहकारी समिति मूंग 6975 रुपए प्रति क्विंटल व उड़द 5600 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। समिति के अधिकारियों ने बताया कि यह तुलाई 11 जनवरी तक चलेगी, जहां तुलाई के लिए अब 673 काश्तकार शेष बचे हैं। मैं 48 गोदाम खाली पड़े हैं, एक ग्रामीण गोदाम खाली है। मंडी समिति की दुकानें और गोदामें लीज पे देने के प्रावधान है, किराए पर दिए जाने के कोई प्रावधान है नहीं फिलहाल। और इनकी जो दरें हैं वो DMC के 50% पे दिए जाने की प्रोविज़न फिलहाल वर्तमान में गवर्नमेंट ने किए हैं, लेकिन बार बार विज्ञप्ति जारी करने के बावजूद भी इनका उठाव नहीं हो पा रहा है। व्यापारी इनको लेने में कई लोग बताते हैं कि सक्षम नहीं है, तो इसके विषय में हमारे राज्य स्तरीय मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें इन विषयों पर चर्चा करके और जो समस्याएं आ रही हैं इनके आवंटन में उस पर विचार विमर्श किया गया। अभी कोई ठोस रिजल्ट तो नहीं निकला है, लेकिन इस पर अतिशीघ्र कोई फैसला होने की संभावना है। चुनावी माहौल के बीच प्रकाशित एक खबर से आक्रोशित कुछ युवकों ने ब्यावर से प्रकाशित एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने तथा मालिक के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने सोमवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ज्ञात रहे कि समाचार पत्र केशव धारा में प्रकाशित खबर के बाद आकाश सिंह रावत नामक युवक ने अपने कुछ साथियों के साथ गत 10 दिसंबर को दोपहर में समाचार पत्र के महादेव जी के छत्र स्थित कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की तथा मालिक संदीप बुरड़ के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़ित बुरड़ ने हमलावरों के रूप में एक आकाश सिंह की पहचान कर उसके सहित उसके 8 से 10 साथियों के साथ मुकदमा दर्ज करवाया था। सिटी थाना पुलिस ने सोमवार को आकाश सिंह पुत्र पूनम सिंह निवासी साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड सहित उसके साथी महेंद्र सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी अतीतमन तथा जैतपुरा निवासी पारसमल पुत्र नाथूलाल तंवर को गिरफ्तार किया है। तीनों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पाली बाजार स्थित महेश्वरी भवन में 22 व 23 दिसंबर को सुख सम्राट सदगुरु श्री सुखराम महाराज की अनभेवाणी प्रवचनों का आयोजन किया गया है। प्रताप नगर निवासी निंगरवाल परिवार की केशर देवी धर्मपत्नी स्मृति शेष पंडित मोहनलाल शर्मा की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित उक्त कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद जगेटिया तथा प्रकाश चंद कांकानी अनभेवाणी का उच्चारण करेंगे। प्रवचन में आने वाले इच्छुक सज्जनों को 20 मिनट में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर ब्रह्म ज्ञान का आभास कराया जाएगा। सत्संग में किसी भी प्रकार का भेंट व चढ़ावा मान्य नहीं है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन पर कांग्रेस जनों ने जताया हर्ष, चांगेट आतिशबाजी करते हुए मनाया जश्न। शहर में तेजी से गति पकड़ रहा है DFC निर्माण कार्य, स्टेशन परिसर में पुल का निर्माण कार्य हुआ पूर्ण। आम रास्ते को दुरुस्त करने की मांग को लेकर गहलोत कॉलोनी के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, रास्ता ठीक नहीं होने तक निर्माण कार्य को बंद रखने की रखी मांग। और ATS तथा जवाहर थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, दो लोगों से जब्त किए 50 लाख रुपए।